हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आशांगन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि, तीन क्लास का है, दसवां का है। आप इसकी मदद से किसी भी दो चर का संकलन आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले समझते हैं विलोपन विधि कहते हैं किसे कहते। तो किसी भी एक चर को विलुप्त कर देना यानी गायब कर देना, जिससे दूसरे चर का मान निकल जाएगा और दूसरे चर का मान रखने पर किसी भी एक संकरण में ये पहले चर का मान निकाल सकते। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। 7x-15y = 2 है, x+2y = 3 है। तो क्या करना है, किसी भी एक चर को समान करके विलोप करना है। तो विलोपित करने के लिए दोनों को पहले एक समान करना पड़ेगा। तो आप x यहाँ y है, तो आप जिसको आप बराबर कर सकते। तो देखिए यहाँ बड़े आसान होता है कि आप उसको कीजिए जिसको करने में आपको आसानी हो। यहाँ देखिए 7x है, यहाँ 1 है, यानी जी हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तब देखिए समीकरण 2 में जो हम 7 से अगर जो गुना करते हैं, तो देखिए 7 और 7 बराबर हो जाएगा, ताकि आप एक चर को विलुप्त कर सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं समीकरण 1st और समीकरण 2nd, क्या कि संकरण संकेण में हम 7 से गुणा किए हैं और विलुप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब तो कट के विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाव हो जाएगा। ओके, तो संकरण 1 7x-15y = 2। आप 7 से गुणा किए, तो 7 से गुणा है तो पूरा गुना हो, तो 7 को यहाँ से गुना 7, तो 7x और फिर 7 को 2 से, पहले 7 × 14y = 27 हो गया। ओके, अब बटा क्या होगा, घटाना है, तो चिन्ह चिन्ह नीचे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए पहला सा माइनस क्या होगा, माइनस 7 में 7 के 0 खत्म, और माइनस माइनस क्या होता है, जुट जाता है, तो चिन्ह माइनस के भी रहता है। तो 15 और 14 हो गया 29y = प्लस और माइनस कर जाएगा 21 में से 2 गया 19, और बड़ी संख्या 21 है तो किसका चिन्ह माइनस। अब बाय का मान निकल, तो -19/-29, देखिए माइनस माइनस कैंसिल, यानी बाय बराबर आ गया हमारा 19/29। ओके, अब क्या करना है, अब ये बाय का मान आ गया। अब बाय का मान किसी भी एक संकरण में रख देने पर एक्स का मान आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं, तो देखिए संकरण इतना था, बाय का मान आया था 19/29। तो अब बाय का मान किसी भी एक संकरण में आप रख सकते हैं, तो आप जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, देखिए अब समीकरण 2 से हम चाहते हैं कि बाय का मान समीकरण 2 में रखें, तो कहते हैं समीकरण 2 से, तो x+2y = 3, तो x+2 अब बाय का मान कितना है 19/29, तो 19/29 के बराबर 3, एक्स प्लस अभी कटेगा नहीं तो गुना, तो 9 × 28/29 = 3। अब ये एक्स बराबर ये जो संख्या है उसको उधर भेज, तो 3 प्लस उस साइड जाए तो माइनस, माइनस 38/29। ओके, तो देखिए अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लेस आएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 29 का लेस है तो 29 ही आएगा, और 1 से भाग दें 29 29, और 3 ऊपर में गुना हो तो 29 है 87, घटाओ 29 से भाग देंगे 29 में तो 1, गुना करेंगे तो 38। अब एक्स बराबर 87 में से 38 गया हमारा बचेगा 49/29। ओके, देखिए आगे मैं एक्स का मान हमारा आ गया 49/29 और बाय का मान आ गया 19/29। इसी तरीके से आप हल कर सकते हैं। और अब इसी तरीके से x+y = 14 है, 2x-y = 4 है, आप इसका आंसर विलोपन विधि से बना करके अच्छे से एक्स और बाय का मान हमें कमेंट में लिखकर बताओ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।